Hi guys, welcome to the new video tutorial on CSS. In this video I'm going to discuss what are the different kinds of selector in CSS. Mainly there are three kinds of selectors in CSS: star selector, class selector and the id selector. तो पहले है कि स्टार सेलेक्टर कब यूज करते हैं. स्टार सेलेक्टर जब हम पूरे एलिमेंट में हम CSS की प्रॉपर्टी को हम ऐड करना चाहते हैं तो हम उसमें स्टार सेलेक्टर यूज करते हैं. क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं जब किसी एक टाइप के पर्टिकुलर एलिमेंट में हमको CSS की प्रॉपर्टी यूज करना होगा तब हम क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे. और आईडी सेलेक्टर तब यूज करेंगे जब किसी मतलब एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में हम एलिमेंट एक पर्टिकुलर एलिमेंट में हम CSS की प्रॉपर्टी ऐड करना चाहेंगे तब हम आईडी यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लास के लिए हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर और आईडी के लिए हम यूज करते हैं हैश. ठीक है, क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे तो हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे. स्टार सेलेक्टर यूज करेंगे जब हम तब हम स्टार सेलेक्टर के लिए हम स्टार साइन यूज करेंगे. और यहाँ पे आप देख रहे हो इसके लिए मैं आईडी जब मैं यूज करूँगा तब हम उसके लिए हैश सिंबल यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग, हाउ टू राइट द कोड्स फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेलेक्टर्स. ओके, सो पहले आपको डिप टैग लिखना होता है. ठीक है, डिप टैग हम लिखते हैं और डिप टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट की जगह पे क्लास, अगर हम क्लास यूज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लास लिखेंगे. ठीक है, तो मेनली आप देखोगे कि साइट जो डिप टैग का मेनली यूज किया है, जैसे बहुत सारे आप वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि क्या होगा. ये देख रहे हो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वेबसाइट है ऊपर में आप नेविगेशन बार जो दिख रहा है ये सारा, ये जो है इसको हम डिवाइड किए, पेज को तीन डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है. पेज फर्स्ट सेक्शन को हम हेडर बोलते हैं, उसके बाद जो है बॉडी पार्ट है और सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारा फुटर के पार्ट में है. तो इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसी को डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं डिप टैग. डिप टैग के थ्रू हम वो पेज का सेक्शंस को डिवाइड करते हैं. ओके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे मान लो पहला है तो मैं इसे हेडर दे देता हूँ, क्लास का नेम हेडर. उसके बाद यहाँ पे मैं उसे समझने के लिए कि हेडर है तो इसके लिए यहाँ पे मैं हेडर लिख दे रहा हूँ. ठीक है, इसे मैं H1 टैग के ताकि वो दिखे थोड़ा. उसके बाद हेडर के बाद, अब ये हेडर क्लोज हो गया. हेडर के बाद मैं यहाँ पे बॉडी होता है तो मैं बॉडी सेक्शन यूज करता हूँ. यहाँ पे मैं बॉडी यूज कर दे रहा हूँ. क्लास, यहाँ पे मैं क्लास की जगह यहाँ पे मैं क्लास बॉडी यूज कर रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं क्लोज, सॉरी यहाँ पे, हाँ ओके फाइन. अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बॉडी वाला सेक्शन को. उसके बाद फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट फूटर यूज करूँगा तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ एक और. तो यहाँ पे मैं फूटर के लिए यहाँ पे क्लास दे दूँगा फूटर. आप आईडी भी यूज कर सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि एक टाइप अगर इसके अंदर, अगर हेडर के अंदर और भी मुझे यूज करना होगा तब हम क्लास के अंदर यूज करते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे करना चाहते हैं तो हम आईडी यूज करते हैं और यूनिक होता है, आईडी इज़ यूनिक. अब यहाँ पे क्लास हम क्या करेंगे, क्लास यहाँ पे फूटर हम दे देते हैं, फूटर यहाँ पे यूज करेंगे. फूटर को मैंने क्लोज कर दिया आप ताकि समझने के लिए, मैं यहाँ पे H1 दे देता हूँ. H1 टैग यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ ताकि कैपिटल वो समझ आए कि फूटर है. ठीक है, यहाँ पे फूटर को क्लोज कर दे रहा हूँ मैं. ठीक है फाइन, उसके बाद बॉडी का भी मैं यहाँ पे बॉडी मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये बॉडी है. उसके बाद मैं यहाँ पे H1 को क्लोज कर दे रहा हूँ. ओके फाइन, अब मैं इसके CSS प्रॉपर्टी ऐड करूँगा. ये सारा मैंने HTML वर्क कर लिया, अब इसको इसकी मैं CSS प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है मैं उसे अप्लाई करूँगा यहाँ पे. तो मैंने बताया था कि इनलाइन CSS यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर हम स्टाइल लिखते हैं. ओके, इनलाइन CSS के लिए हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर हम स्टाइल लिखते हैं. यहाँ पे मैं स्टाइल लिखूँगा हेड टैग के अंदर. अब यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, हाँ या फाइन. अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जो मैंने इनलाइन CSS यूज किया, अब यहाँ पे मैं इनलाइन CSS के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया है, तो हेडर है, हेडर का मैं अब प्रॉपर्टी क्लास मैंने हेडर दिया है. यहाँ पे आप देख रहे हो क्लास को मैंने हेडर दिया है, सॉरी हाँ. तो अब मैं हेडर, इस हेडर के लिए हम मैं प्रॉपर्टी ऐड करूँगा. ओके, यहाँ पे या ओके, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे, हाँ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे डॉट हेडर है तो मैं यहाँ पे हेडर दे दे रहा हूँ क्लास का नेम. उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ और हाइट हो तो
तो उसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 700 पिक्सल, ओके, या 600 पिक्सल दे दे रहा हूँ उसकी विड्थ दे दे रहा हूँ 600 पिक्सल, हाइट दे दे रहा हूँ, हेडर छोटा है तो मैं उसकी हाइट दे दे रहा हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसकी कलर दे दे रहा हूँ ताकि ये समझ में आए कि वो कलर है, सॉरी CUR, बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। उसके बाद फिर हाँ, अब इसकी हेडर का मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैं बॉडी का जो बॉडी है, क्लास का नेम मैंने बॉडी रखा था, तो अब बॉडी वाले सेक्शंस का अब हम वृत्त और हाइट सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं वृत्त दे दे रहा हूँ, यहाँ से मैं वृत्त और वृत्त को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके फाइन, होप इट इज़ क्लियर। अब मैं इसकी हाइट सेट कर दे रहा हूँ, हाइट मैं इसकी थोड़ी बॉडी थोड़ा बड़ा होता है तो मैं उसकी हाइट दे दे रहा हूँ 300 पिक्सल, ओके फाइन। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर अलग कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ये रेड दे देता हूँ, ओके फाइन। अब नेक्स्ट है सेक्शन, जो नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे आपका जो लास्ट फूटर था मैंने रखा था, फूटर के लिए मैं यहाँ पे फूटर लिखता हूँ और फूटर का मैं हाइट एंड ब्रेथ दे देता हूँ। यहाँ पे मैं हाइट दे ब्रेथ दे दिया मैंने, और हाइट फूटर छोटा रहेगा तो उसकी भी मैं फूटर की 50 दे देता हूँ, 50 पिक्सल, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड कलर मैं दे दे रहा हूँ येलो, ओके ओके। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसे सेव करके विंडो में ओपन करूँगा, सॉरी ब्राउज़र में ओपन करूँगा, तो आप देखोगे कि वो सेट हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने हेडर जो सेट किया था, हेडर की कलर जो है वो ब्लू हो गया है और बॉडी का कलर रेड हो गया है और फूटर का कलर येलो हो गया है। तो मैंने ये CSS, ये जो मैंने 3 डिवीज़न किया है, तो ये 3 डिवीज़न मैंने डिप टैग के थ्रू किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने डिप टैग यूज किया है, डिप टैग में हेडर, क्लास हेडर यूज किया है, क्लास हेडर का मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट किया है इनलाइन CSS के थ्रू, विथ हाइट और उसका बैकग्राउंड कलर। आप चाहते हो कि सिर्फ वो उसका विथ कम कर देना चाहते हो तो 400 कर दो, और अगर इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है तो इसकी हाइट मैं कम कर देता हूँ, 200 पिक्सल कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ, छोड़। उसके बाद अगर चाहते हो कि इसकी विड्थ कम करना चाहते हो तो अब इसकी विड्थ कम कर सकते हो, 400 पिक्सल कर देना चाहता हूँ तो 400 पिक्सल हो गया ये, ठीक है। इस तरह से आप फुटर की भी हाइट कम विड्थ कम करना चाहते हो तो यहाँ से उसे की विड्थ भी कम कर सकते हो, ओके। तो मेनली क्लास का मैंने यहाँ पे यूज किया, क्लास सारे क्लास लिया लिखा मैंने, उसके बाद क्लास का नेम दिया, फिर उसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो, उसकी हेडर आप कुछ भी यूज करना चाहते हो, यहाँ पे लिंक यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। लिंक टैग यूज करना है, जैसे यहाँ पे मैं हेडर में बहुत सारा नेविगेशन होता है तो यहाँ पे मैं हेड, जैसे मैं यहाँ लिंक देना चाहता हूँ, होम टाइप का कोई लिंक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिंक देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिंक दे दिया मैंने। तो आप देखोगे ये जो मैं यहाँ हेडर पे, सॉरी यहाँ पे ओवर राइट हो गया है, सॉरी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी ओके। अब देख रहे हो कि क्लास मेनली हेडर का यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में वृत्त उसकी छोटी हो गई है, ओके। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज में सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेक्शंस को डिवाइड करेंगे, हम डिप टैग यूज करेंगे और उसको फिर हम क्लास के थ्रू, उसकी CSS के थ्रू मैं क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करूँगा, ओके। होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द मोर अपडेट्स ऑन वेब डेवलपमेंट। थैंक यू।